हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में, जी हाँ बहुत छोटे से वीडियो में, क्लास ट्वेल्थ के लेसन द रेड ट्रैप के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने सबसे प्यारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश पे एस गोस्वामी। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, द पेडलर फेरी वाला हू वुड सेल रेड ट्रैप्स, जो चूहेदान बेचा करता था, हैड नो प्रॉफिट इन हिज बिजनेस, उसे अपने इस व्यापार में कोई लाभ नहीं था, सो ही हैड टू, इसलिए उसे करना पड़ता था कौन सा काम? लेंड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, दोस्तों से पैसा उधार लेना, डू अनदर वर्क फॉर मनी, पैसे लिए और पार्ट टाइम जॉब, सेल वेजिटेबल्स सब्जियां बेचना, या बैग एंड स्टील अ बिट टू सर्वाइव, या एक चौथा बड़ा रोचक काम वो कर लेता था, या तो भीख मांग लेता था या फिर चोरी कर लेता था सर्वाइव, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, अपनी जीविका के लिए। नंबर 2, द मीनिंग ऑफ मोनोटोनस इज, मोनोटोनस शब्द का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। हैप्पी खुश, एक्साइटेड उत्साहित, टायर्ड थका हुआ, या आंसर डी सही ऑप्शन ब्लैक में लिखा है टेस्टलेस नीरस। नेक्स्ट, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज ट्रडजिंग अलोंग द रोड, सड़क पर वो टहलते चला जा रहा था, ही सॉ, उसने क्या देखा? अ प्रिटी गर्ल, एक खूबसूरत सुंदर सी लड़की, नहीं जी नहीं, अ थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल, द क्रॉफ्टर किसान, या ऑप्शन डी राइट चॉइस अ कॉटेज, एक घर देखा। वन डे ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, एक बार उसके दिमाग में, एक दिन उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट, कि दुनिया कुछ और नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखें, अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक खूबसूरत बगीचा है, अ बिग रेड ट्रैप, एक बड़ा चूहेदान है, अ स्ट्राइफ, एक संघर्ष है, या अ ड्रीम, एक ख्वाब है। मैंने जानबूझ को वॉच को अंडरलाइन किया है कि यहां पर वॉच का यूज क्यों हुआ, क्योंकि दुनिया तो हमेशा है और रहेगी, तो यूनिवर्सल है, लेकिन इस थॉट के बारे में जो यूनिवर्सल नहीं है, बहुतों के लिए दुनिया ड्रीम भी हो सकती है, बहुतों के लिए स्ट्राइक भी हो सकती है, बहुतों के लिए एक सुंदर बगीचा भी हो सकता है। इस कहानी में राइटर ने बताया है उस पेडलर के बारे में, जो उस समय दुनिया को या संसार को एक चूहे का जाल समझ रहा था। थॉट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करें। द ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ लोनली, उस कॉटेज का जो मालिक था वो एक अकेला व्यक्ति था, कौन था? बिजनेसमैन, व्यापारी, विमेन, स्त्री, क्रॉफ्टर, किसान, या सोल्जर, या सिपाही, ब्लैक से लिखा सही ऑप्शन सी, आंसर है किसान। ओके, नंबर 6 देखेंगे, द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर, किसान ने फेरी वाले को बताया, दैट ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया डैश क्या, एज पेमेंट द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की प्राप्ति या फिर कमाई, ऑप्शंस है 40 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़ या 10 करोड़, करोड़ एक मुद्रा है, ऑप्शन सी सही है ब्लैक कलर से, 30 करोड़, 30 करोड़। नेक्स्ट, करोड़ इज द करेंसी ऑफ, करोड़ कहां की करेंसी है, ऑप्शन देखेंगे रशिया, स्वीडन, चाइना एंड जापान, ब्लैक कलर से का ऑप्शन बी स्वीडन। नेक्स्ट है, एज द पेडलर रियलाइज, जैसा कि पेडलर ने अनुभव किया, क्या किया, दैट ही डेयर्ड नॉट, उसे साहस नहीं करना चाहिए कंटिन्यू निरंतर ऑन द पब्लिक हाईवे, उस रास्ते पे चलने पर जिससे सारे लोग जा रहे हैं, सो ही टुक टू द स्ट्रीट्स, ने कौन सा रास्ता चुना, डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियां, अननोन लेन्स, अनजानी गलियां, या फिर रेलवे ट्रैक, रेलवे से जाने वाला रास्ता, या फिर वुड्स, सही आंसर है वुड्स यानी कि जंगल। द होल फॉरेस्ट सीम टू हिम लाइक, पूरा जंगल पेडलर को कैसा लग रहा था, ऑप्शन देखेंगे अ रेड ट्रैप, एक चूहेदान जैसा कि उसे पहले लगा था दुनिया के बारे में, सेकेंड अ स्ट्रेंज लैंड, एक अद्भुत स्थान, तीसरा अ प्रिजन, एक जेल, और चौथा अ फियरफुल स्पॉट, एक डरावना स्थान, ऑप्शन सी सही है ब्लैक कलर से प्रिजन, अब उसे पूरा जंगल एक जेल लग रहा था। एज ही सैंक डाउन टायर्ड एंड ग्लूमी, जब वो थक के उदास होकर बैठ गया, ही हर्ड द
साउंड ऑफ, उसने कौन सी आवाज सुनी? ऑप्शन देखें, हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े के बजने की आवाज, म्यूजिक संगीत सुना उसने, या फिर पीपल लोगों की आवाज सुनी, या फिर वाटरफॉल झरनों की आवाज सुनी। ऑप्शन ए है सही, ब्लैक कलर से हैमर स्ट्रोक, उसने हथौड़े की चोटों की आवाज सुनी। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश भाई गोस्वामी। नमस्कार।